हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो सुबह सुबह प्याज का दाम चेक कर रहे हो? हाँ यार, 30 रुपये किलो मिली है बाज़ार में मुझे ये प्याज, लेकिन अच्छी बड़ी बड़ी प्याज है। और सुबह के 5:30 बज रहे हैं, एफ्रेश पी रही हूँ। दिन ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ, लेकिन एफ्रेश पीने के साथ, जैसे आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि मेरी हाफ बॉडी नम हो गई थी और माशाल्लाह अभी ठीक है, लेकिन हुआ क्या था तो वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज एक रेसिपी के साथ शेयर भी करूँगी क्या हुआ। तो चीज़ ली है मैंने, गो की चीज़ ली है, बड़ी टेस्टी चीज़ है। डेलेक्टा मुझे पसंद है लेकिन मिलती नहीं है यहाँ पर। तो ये प्याज और चीज़ का पराठा है, इसमें चिली फ्लेक, ज़ीरा और सॉल्ट थोड़ी कम डालिए, चीज़ जब भी आप डालते हैं। तो इस तरह से मैं पराठा बना ले रही हूँ, क्योंकि फलक की एग्ज़ाम्स है तो वैसे तो वो स्कूल 8:30 के बाद जाने वाली है, लेकिन नाश्ता मैं सुबह बना लेती हूँ अर्ली मॉर्निंग, फिर ही अपने कोई और एक्स्ट्रा काम करती हूँ। कि ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए, जैसे स्कूल के लिए पराठा, टिफ़िन और नाश्ता तैयार हो जाए, फिर उसके बाद मैं चाहे सुबह एडिटिंग का काम बचा हुआ वो कर लेती हूँ, या फिर मैं फिर नई पोस्ट बनाती हूँ। तो आज मैं फटाफट नाश्ता बना के आप लोगों के लिए एक अपनी बात शेयर करने वाली। देखो कितना पतला और अच्छा पराठा बनाया, स्लाइसर में ये मैं काटती हूँ ना, ये चॉपर में प्याज, तो बहुत अच्छे पराठे बनते हैं इसके। एक और प्याज की रेसिपी है पराठे की, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी बनता है, गांव के स्टाइल का है हमारा खाना। एक पराठा फलक को खिलाऊंगी, एक टिफ़िन में दूंगी। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ जो मैं करती हूँ सुबह सुबह अपने फ्रोज़न शोल्डर के लिए। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी आपको बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ एक्सरसाइज। तो पहले साइड वाइज शुरू कोई भी एक्सरसाइज 5 ही नंबर से कीजिए, 5 से ज़्यादा मत कीजिए कोई भी एक्सरसाइज शुरुआत में। ये दूसरी वाली है, गर्दन बहुत ज़्यादा नीचे मत कीजिए अगर आपको कोई तकलीफ़ है, या फिर ब्लड प्रेशर, या अल्लाह ना करे ऐसी कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो अगर है तो ध्यान दीजिए, बिकॉज़ ये मेरी योगा टीचर ने मुझे कहा था, ज़्यादा नीचे ना देखें। ये इस तरह से करने से एक्सरसाइज अपनी जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है उसमें बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है और काफ़ी ये फ़ायदेमंद होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों 3-3 मरतबा कीजिए, बहुत ज़्यादा मत कीजिए। और ये साइड पंप करने से इस तरह से, तो ये नसें यहाँ पे से बहुत अच्छी रिलीज़ होती है, स्ट्रेच उसमें आता है। तो अगर आपको शोल्डर की ये मुझे प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलती थी मोबाइल पर, और मुझे ऐसा लगता है फ्रोज़न शोल्डर होने का मेरे रीज़न ये है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, और फ्रोज़न शोल्डर कभी भी किसी को भी हो जाता है और अपने आप चला जाता है अगर 3-4 साल ऐसा बोलते हैं, लेकिन अल्लाह मालूम 3-4 साल तक कौन ऐसे रहेगा, या 3-4 महीने भी रहना मुश्किल होता है इंसान का। तो ये एक्सरसाइज मैं अपने शोल्डर के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 25-25 करती हूँ रोज़। यस, ये मैं चेयर पर बैठ के मज़े से करती हूँ, क्योंकि जब शुरुआत में मैंने शुरू किया ना तो मैं लुढ़कने लगती थी ऐसे ऐसे कहीं कहीं। तो ये हाथ की एक्सरसाइज है, ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों करती हूँ, 25-25 मरतबा दीवार पे सर्कल बनाती हूँ, फिर दीवार पे ही चलना शुरू करती हूँ, नहीं पैरों से नहीं चलती हूँ नहीं पैरों से नहीं चलती हूँ मैं, उंगलियों से, ऐसे जैसे हम उंगलियों से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और उंगलियों से ही चल के नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज मैं रोज़ 25-25 करती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाली तो डॉक्टर ने मुझे कहा था एक वो ख़रीद लेने के लिए, लेकिन मैं कहा कि दुपट्टे से भी कर सकते हो, इतना सामान खरीदती हूँ, मैंने कहा जब दुपट्टे से हो सकता है तो ज़रूर दुपट्टे से करती हूँ। तो ये नहीं, हम लोग गाँव में दही दूध ऐसे दिखाता है ना ग्वालर के, यहाँ पर औरतें बैठ के दूध निकाल रही हैं, क्या दही निकाल रही हैं, तो वैसा ये ऊपर मैं करती थी। तो ये भी मुझे बहुत फ़ायदेमंद हुआ, मेरा हाथ पहले शुरुआत में ऊपर नहीं जाता था, और फिजियोथेरेपिस्ट के इधर जाती थी जब वो एक्सरसाइज करवाती थी ना, तो मैं बहुत चिल्लाती थी, वो बोले रेशमा तुम तो इतना चिल्लाते हो मेरे बाकी के पेशेंट भाग जाएंगे, बट हाँ मैं थोड़ी क्लम्सी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा वहाँ जाके भी नहीं नहीं ऐसा मत करो, नहीं करो मत करो, दुख रहा है। तो ये जो मेरा पार्ट है बगल के नीचे का हिस्सा, लेकिन बैक साइड में, आगे की तरफ का नहीं पीछे की तरफ का, मुझे बहुत सूजन वहाँ पे रहती थी और मेरा हाथ काफ़ी सूजा रहता था तो उतना मूव नहीं करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली स्लोली एक्सरसाइज ने अपना काम दिखाया, एक्सरसाइज कर ली मैंने। यस ऑफकोर्स मैं ट्रेडमिल पर भी चलूँगी, लेकिन ये जो हाथ की और जो गर्दन की एक्सरसाइज है
हालांकि मेरा फ्रोजन शोल्डर अब ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी मैं उसे कंटिन्यू रखती हूँ। चाहे मैं वॉक पर ना जाऊँ, लेकिन मैं ये एक्सरसाइज रोज़ सुबह उठ के नींद से उठते ही साथ पानी पी कर, अगर पानी नहीं पी रही हूँ तो भी उठ कर, कभी मैं लेट तक के अगर सो रही तो भी मैं उठ कर ये एक्सरसाइज ज़रूर ज़रूर करती हूँ। बिकॉज जब मुझे फ्रोजन शोल्डर हुआ था तो दुनिया अपसाइड डाउन हो गई थी पूरी, यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई और उन्होंने मुझे ये एक्सरसाइजेस बताई, कहा कि रेशमा ये करती रहो, इंशाल्लाह तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। बहुत फ़ायदा हुआ मुझे, और स्पेशली मुझे योगा से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मेरी ये हाफ बॉडी मुझे महसूस नहीं होती थी, मैं धूप में खड़ी रहती थी, मुझे यहाँ गाल पे धूप लगती थी, यहाँ पे मुझे धूप नहीं लगती थी, मैं इतनी टैन हो गई थी। आपने मेरी कुछ 6-7 महीने पहले की वीडियो देखी होगी तो मैं शायद आपको बहुत काली लग रही होंगी, बिकॉज मैं धूप में कितनी देर सुबह बैठ जाती थी नीचे बिल्डिंग के, और आई यूज़ टू फील लाइक इधर फील हो रहा नहीं है, इधर फील हो रहा है मैं, और लेफ्ट हैंड पे था तो मैंने ECG CT स्कैन सर का अपने ये, क्योंकि ये सारा कुछ महसूस नहीं होता है, उतना अच्छा महसूस नहीं होता। ऑब्वियसली अगर ऐसे मान लगे तो यहाँ महसूस होता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा महसूस होता, यहाँ नहीं महसूस होता था। बाइक चलाते हुए, बाइक सब अलहमदिल्ला मैं चला रही थी, लेकिन फिर भी मैं ना कभी भी ऐसे धूप ना, धूप इधर लग रही है, इधर क्यों नहीं लग रही है, बट धूप तो लगती थी, मैं कितनी काली हो गई थी धूप में बैठ बैठ के, ताकि मेरी स्किन अच्छी हो, मेरी स्किन मतलब मेरे विटामिन डी में अगर कमी है तो वो ठीक हो, बोन्स ठीक हो, ऐसा वैसा बहुत लंबा वक्त मैंने इन्हीं चीज़ों में निकाला। देन आई एंडेड अप अच्छी हो रही थी मैं, फिर मैंने योगा स्टार्ट किया। हाय मेरी योगा टीचर क्यों चली गई यहाँ से, वो चली गई कहाँ, ये मेरे ख्याल से नोएडा वगैरह कहीं चली गई है वो, बट मेरी बिल्डिंग में रहने के लिए आई योगा टीचर, और उनके यहाँ जब मैं गई पहले दिन तो मैंने बड़े नखरे किए, मेरे गर्दन में ऐसा है, मेरे यहाँ पे शोल्डर में ऐसा है, मैं बैठूंगी नहीं, मेरे ज़मीन पे तो बैठने की आदत ही नहीं है, ज़मीन पर हम लोग भूल गए ज़मीन पर बैठना, और बिकॉज मेरी हाफ बॉडी में नमनेस रहती थी तो मैं पलाथी मार के बिकॉज ऑफ माई लेफ्ट लेग मैं नहीं बैठ पाती थी लंबे समय तक। शी सेड अच्छा जैसा भी करना है तुमको वैसा करो, और विद इन 10 डेज, ऐसा नहीं कहती कि सबको फ़ायदा होगा, ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ। तो मैंने 10 दिन बाद आई स्टार्टेड सिटिंग आराम से, पलाथी मार के मैं सारी चीज़ें जो एक्सरसाइजेज वो करवा रही थी तो वो मैं करने लगी, तो योगा मुझे बहुत फ़ायदा किया, और मैं काफ़ी मरतबा अभी भी बैठे बैठे अनुलोम विलोम करती रहती हूँ, विच इज़ वेरी गुड। तो मैं कभी कुछ फिल्म देख रही हूँ, सीरियल देख रही हूँ, या अपना कुछ काम कर रही हूँ तो भी बैठ कर मेरा हाथ ऐसे ही रहता है। बिकॉज मैंने अपनी योगा टीचर को, जैसे मैं सीढ़ियों से उतर के जा रही हूँ तो उनका घर का दरवाज़ा खुला है तो वो टीवी देख रही है, तो मैंने उनको भी देखा था, वो ऐसे बैठे बैठे करती रहती थी, तो विच इज़ वेरी गुड। कुछ चीज़ें जो हमारे अपने इंडिया की योगा है और हमको फ़ायदा करता है लेकिन हम लोग समझते नहीं, तो योगा इज़ वेरी यूज़फुल, मुझे बहुत फ़ायदा किया योगा ने। और हाँ, गलती मेरी है, कभी कभी मैं छोड़ भी देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने, हाँ अभी उस दिन 4 किलो कहा था, आज 5 किलो कह रही हूँ, वेट कम हो गया है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ करते हैं और उसका रिज़ल्ट आपको मिलता है, मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं गलतियाँ भी करती हूँ। देन आई Leave things which I will not do this time. Inshallah, मेरी birthday मई में आने वाली है। Yes, मेरी birthday 22 तारीख को मेरा birthday है, तो मैं सोचती हूँ यार मई तक के 10 किलो तो total 10 किलो, अभी और 10 किलो नहीं प्लस कहूँगी कि 15 किलो हो जाएगा, नहीं, स्लोली स्लोली आपको किसी भी चीज़ को शुरू करना चाहिए। पहले मैं 4 किलो आज आपको बता रही हूँ, 5 किलो लूज़ हुआ है वेट, और इंशाल्लाह मई तक के मैं और 5 किलो वेट कम करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज मेरा वेट बहुत ज़्यादा है। जो मेरा भाई का कहना है कि तुम सारी चीज़ें कर देती हो, सब कुछ हो जाता है, बिकॉज तुम्हारा विल पावर अच्छा है, तुम्हारी बॉडी ये सारी चीज़ें नहीं करती है, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा दिल ये सारी चीज़ें करता है, तो कहीं तुम्हारी बॉडी तुम्हारे दिल और दिमाग पे भारी ना पड़ जाए, इसलिए आप गेट बैक टू एक्टिव चीज़ों के लिए तुम ज़रा सी घर से निकलो, मतलब घर से तो मैं बहुत निकलती हूँ, लाइक अपने आप को हेल्दी बनाने की जगह पे जाओ। तो मैं अभी इसीलिए थोड़ा शॉपिंग भी मार्केटिंग भी कम कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर जाती हूँ बहुत ज़्यादा मैं खाती हूँ
अनाप शनाप. तो इस साल का तो वैसे मेरा रेजोल्यूशन था ही, अनसन फालतू की चीज़ें नहीं करूँगी जो मुझे नुकसान दे. तो बस मेरी फिट फैट टू फिट की जर्नी स्टार्ट है और इंशाल्लाह आप लोगों का साथ साथ रहेगा. तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ. थैंक यू वेरी मच. सैटरडे के दिन मिलते हैं ब्रेड बेकिंग क्लास में इफ़ यू आर कमिंग, और नहीं तो चैनल पर तो मैं आती ही रहूँगी. तो आज आपसे कुछ अपनी एक्सरसाइज, अल्लाह ना करे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई होगी, और अगर हुई है तो गो टू डॉक्टर, डर के घर में ना बताना. मैंने भी बहुत लंबा वक्त घर पे नहीं बताया. जब मैं रात रात को उठकर ऐसे स्प्रे करके फिर सो जाती थी, स्प्रे करके फिर सो जाती थी, तो शफी ने कहा कि अगर अब डॉक्टर के पास नहीं गई तो फिर तुम याद रखना मैं लेके गया डॉक्टर के पास तो बहुत ज़्यादा सख्ती से बर्ताव करूँगा. तो मैं थोड़ा डर गई और देन आई वेंट टू डॉक्टर और बराबर मैंने अपना इलाज करवाया. अल्हम्दुलिल्लाह लंबा फिजियोथेरेपी का टाइम चला मेरा 1.5 महीने तक, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें ठीक हो गई. अब मैं दोनों कान अपने यहाँ 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 और यहाँ से पकड़ सकती हूँ, अदरवाइज़ आई वॉज नॉट एबल टू होल्ड माई ईयर लाइक दिस. तो बहुत तकलीफ थी मुझे, लेकिन अब आराम हो गया है. तो यस, ये सारी चीज़ें नहीं चलती थी, पता मतलब चलती थी लेकिन मुझे ये महसूस नहीं होता था ये सारी चीज़ें, लेकिन अब ठीक है, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई. तो मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ मेरे किसी भी सब्सक्राइबर को ऐसी तकलीफ होगी, लेकिन थोड़ा कम मोबाइल पे वक्त गुजारें. स्पेशली मैंने औरतों को देखा है ट्रेन में भी, वो बैठकर गेम खेलती रहती हैं पूरा टाइम, सीरियल भी देख रहे हैं लेकिन गेम भी चालू है. तो मुझे ये गेम ने बहुत, मोबाइल के गेम ने बहुत नुकसान पहुँचाया था. तो इसीलिए कहती हूँ यूट्यूब अच्छा है, यूट्यूब देखती हूँ, यूट्यूब करती हूँ, गेम नहीं खेलती. मेरे फ़ोन में आज की डेट में एक भी गेम नहीं है, नॉट अ सिंगल गेम. हाँ नहीं है, कभी फलक डाउनलोड कर लेती है तो मैं फटाक से डिलीट करवाती हूँ कि बेटा नहीं, मम्मा के फ़ोन में कोई गेम नहीं डालना. तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग आउट. हाँ अब फलक स्कूल जा चुकी है तो ये बाकी की बात मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ. एक्सरसाइज वगैरह तो सुबह कर रही थी तो रिकॉर्ड कर ली थी. ओके बाय, चाओ. हाँ दोनों हाथ चल रहे हैं, यस अल्हम्दुलिल्लाह.